हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आई सो रशियन कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो चुकी है इसका नाम इन्होंने दिया है स्पुतनिक फाइव ये नाम क्यों दिया गया है क्या ये वैक्सीन इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकती है डिस्कस करेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा सो अ लॉट टू नो अल लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज बट बिफोर गो टू गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी आई एजुकेशन ऐप यहाँ पे आप खरीद सकते हैं हमारा फ्लैगशिप यू कोर्स जिसके लिए ई ऑप्शन अवेलेबल है एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आई एंड प्रेस द बेल आइकन ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि क्या रशियन फेडरेशन दुनिया का पहला देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन प्रिपेयर कर ली है यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे करते हो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल यूज़ की तो एक्चुअली चाइनीज वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है मगर चाइना ने कहा है कि ये वैक्सीन लिमिटेड यूज़ के लिए है ये सिर्फ जो इनकी आर्मी है पीपल्स लिबरेशन आर्मी उनके सोल्जर्स को ये देंगे क्योंकि ये मानते हैं कि यह वैक्सीन अभी सिविलियन यूज़ के लिए अप्रोप्रिएट है नहीं हो सकता है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसकी फिजिकल फिटनेस एक आर्मी पर्सन जैसी नहीं है उसको यह वैक्सीन दी जाए तो उसको कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है तो यह हम कह सकते हैं कि चाइना एक वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप कर चुका है रशिया यहां पर यह कह रहा है कि हमने सिविलियन यूज़ के लिए भी यह वैक्सीन तैयार कर ली है और बहुत ही जल्द इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे और 2021 के जनवरी मंथ में ये लोग एटलीस्ट अपने कंट्री में लोगों को यह वैक्सीन देना स्टार्ट कर देंगे और रेफरेंस के लिए यहां पर आप देख पाएंगे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल है चाइनाज मिलिट्री बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट टू यूज़ एक्सपेरिमेंटल कोरोना वायरस वैक्सीन ये जून दो में इन्होंने टेस्ट करी थी रशिया के लिए फिर भी ये काफी प्राउड मोमेंट है क्योंकि इन्होंने ये वैक्सीन यूएस यूरोपियन कंट्रीज वेरियस कंट्रीज से पहले डेवलप कर ली है और इसलिए इन्होंने प्राउडली इस वैक्सीन को नाम दिया है स्पूतनिक फाइव स्पूतनिक के बारे में आपको पता होगा अगर आप स्पेस में इंटरेस्टेड हैं स्पूतनिक एक्चुअली ह्यूमन हिस्ट्री की पहली सैटेलाइट का नाम है अक्टूबर चार 1957 में यूएसएसआर ने यह लॉन्च करी थी सैटेलाइट और उस वक्त ये एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था यूएसए को पीछे छोड़ के फ्रांस जर्मनी और इवन यूके को पीछे छोड़कर यूएसएसआर ने दुनिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम था स्पूतनिक तो उसी के नाम पे इन्होंने ये वैक्सीन का नाम भी दिया है कि जिस तरीके से 1957 में हमने वेस्ट को पीछे छोड़ा था इसी तरीके से हम स्पुतनिक फाइव वैक्सीन के साथ फिर से बाकी कंट्रीज को पीछे छोड़कर एक वैक्सीन प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द इंटायर वर्ल्ड तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट है बाय द रशियन गवर्नमेंट ये रशियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है यहाँ पे लिखा है रशिया रजिस्टर्स वर्ल्ड फर्स्ट कोविड नाइनटीन वैक्सीन आगे ये कहते हैं ये रशियन गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है इट इज बेस्ड ऑन एडीनो वायरस एंड कंटेन्स डेड कोरोना वायरस पार्टिकल्स विच कैनॉट मल्टीप्लाई एंड आर देयर फॉर सेफ इट हैज सक्सेसफुली पास ऑल क्लिनिकल ट्रायल स्टेजेस तो यहाँ पर ये कह रही है कि इस वैक्सीन में होगा क्या कि डेड कोरोना वायरस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर इंजेक्ट करेंगे ताकि जो उसके शरीर का इम्यून सिस्टम है वो तैयार हो जाए इन द फ्यूचर देखो वैक्सीन इलाज नहीं होता अगर मान लो एक आदमी को कोरोना वायरस हो चुका है और कोविड नाइन्टीन ने उसकी बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है तो उसके बाद आप अगर वैक्सीन देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को तैयार कर देगा एक्चुअल वायरस के लिए और कभी भी अगर एक्चुअल वायरस से आपकी बॉडी का कभी सामना होता है तो आपकी बॉडी प्रोटेक्ट कर सकती है ख़ुद को और जो ये वैक्सीन का फॉर्मूला है हर जगह सेम यूज़ होता है फॉर एग्जांपल जो पोलियो की वैक्सीन है जो तैयार करी थी डॉक्टर जुनस साल्क ने वहाँ पर भी यही किया था कि जो पोलियो वायरस है उसको डेड करके उसको निष्क्रिय करके ह्यूमन बींग के अंदर इंजेक्ट किया गया ताकि इम्यून सिस्टम को पता लग जाए कि ये वायरस क्या है और किस तरीके से इसे डील करना है और फिर कभी इन द फ्यूचर अगर मान लो पोलियो वायरस से बॉडी का कभी भी सामना होता था तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उस वक्त इफेक्टिव साबित होता था इसलिए यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सिंस कोरोना वायरस पार्टिकल जो हैं इस वैक्सीन में ये डेड है ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे आपकी बॉडी में आपकी बॉडी में तेजी से फैलेंगे नहीं तो इसलिए जो ये वैक्सीन है रशियन गवर्नमेंट के हिसाब से सेफ है अगेन मैं कहूँगा ये सिर्फ इनका दावा है अभी डब्ल्यू एच ओ और दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं, ये इसको टेस्ट करेगी और चेक करेगी कि क्या ये एक्चुअली सेफ है या नहीं क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है स्पुतनिक फाइव वैक्सीन पर वो ये है कि रशियन गवर्नमेंट ने बहुत ही जल्दी से इसको अप्रूव कर दिया है इसके प्रॉपर ट्रायल्स अभी हुए नहीं हैं ज़्यादातर जो वैक्सीन हैं इसके तीन ट्रायल होते हैं जो तीसरा ट्रायल होता है उसमें 20 से लेकर चालीस हजार लोगों पे टेस्ट किया जाता है तो अभी के लिए रशिया ने इतनी बड़ी जनसंख्या पे ये टेस्ट करी नहीं है मगर व्लादिमिर पुतिन बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि ये वैक्सीन सेफ है और अपनी जनता का विश्वास जीतने के लिए दुनिया का विश्वास जीतने के लिए इन्होंने वैक्सीन की पहली डोज इंजेक्ट करी है अपनी बेटी में व्लादिमिर पुतिन की दो बेटियां हैं एक का नाम है मरिया दूसरा कैतरीना तो अभी के लिए क्लियर है नहीं कि कौन सी बेटी को यह वैक्सीन दी गई है मगर आप कह सकते हैं ये रशियन प्रेसिडेंट का अच्छा तरीका है प्रमोट करने का वैक्सीन को कि देखिए अगर मैं अपनी खुद की बेटी पर यह इंजेक्ट कर रहा हूं तो मोस्ट प्रोबली इट इज सेफ हालांकि डब्ल्यू ने यहाँ पर अभी भी एक प्रशंसन खड़ा किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अभी ये कह रहा है कि अभी प्री क्वालिफिकेशन के लिए डिस्कशन शुरू होगा तो डब्ल्यू एच ओ का अप्रूवल यहाँ पे मिलना जरूरी होगा बिफोर इट कैन बी यूज वर्ल्ड वाइड हाँ हो सकता है कि रशिया अपनी जो कंट्री है उसमें ये यूज करना स्टार्ट कर दे बाय जनवरी 2021 और देखो कई वर्ल्ड लीडर हैं वो ऑलरेडी सामने आ चुके हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं इस वैक्सीन को लेकर वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन उनके देश में आए लोग इसको इंजेक्ट करें और उनकी जो देश की अर्थव्यवस्था है ये वापस नॉर्मल हो जाए सर्बिया जो एक यूरोपियन कंट्री है इनके जो प्रेसिडेंट है अलेक्ज़ानदर वुकिक इन्होंने ओपनली कहा है कि मैं तैयार हूं जैसे ये वैक्सीन अवेलेबल होती है फॉर कमर्शियल यूज़ सबसे पहले मैं अपनी बॉडी में ये इंजेक्ट करूंगा फिलिपींस के जो प्रेजिडेंट हैं दुतरते इन्होंने भी ये कहा है कि यह वैक्सीन पब्लिकली मैं अपनी जनता के सामने अपनी बॉडी में इंजेक्ट करूंगा ताकि सबको पता लगे कि यह वैक्सीन सेफ है तो इसी तरीके से बहुत सी कंट्रीज सामने आ रही हैं और और इंडिया ने भी क्वाइटली यहाँ पर इंटरेस्ट जाहिर किया है इंडिया ने कहा है कि हम भी पार्ट होना चाहते हैं स्पुतनिक फाइव के फेज थ्री क्लिनिकल ट्रायल का हालांकि अभी बस इंटरेस्ट ही शो किया गया है कोई ऑफिशियल निर्णय इस पर लिया नहीं गया ऑफिशियली इंडिया की पॉलिसी क्या होगी क्या ये वैक्सीन हम यूज करेंगे या फिर हम वेट करेंगे ऑक्सफर्ड की वैक्सीन के लिए क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सफर्ड भी एक वैक्सीन तैयार कर रहा है उसका भी फेज थ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा इन ब्राजील वेरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं इनकी भी वैक्सीन मोस्ट जो थ्री यूज है उसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स तो इसके लिए इंडिया वेट करेगा या फिर रशियन वैक्सीन के साथ कुछ शुरुआत करेगा एटलीस्ट मे बी फॉर आर मिलिट्री या फिर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनको हमें शुरू करना चाहिए उनके लिए हम रशियन वैक्सीन यूज करेंगे ये डिसाइड करेगी एक कमेटी हेडेड बाय नीति आयोग मेंबर में इस कमेटी की मीटिंग बहुत ही जल्दी होगी जहां पर यह बात करेंगे अबाउट लॉजिस्टिक्स और एथिकल एस्पेक्ट्स अबाउट द कोविड 19 वैक्सीन तो देखो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल स्केल पर इनिशियली हम रशिया की वैक्सीन यूज़ करें मगर इवेंचुअली जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है और जो ऑक्सफर्ड की वैक्सीन है वो हम मास स्केल पर यूज़ करेंगे इन in इंडिया बाकी ओवरऑल इट इज़ गुड फॉर ह्यूमन काइंड इट इज़ गुड फॉर वर्ल्ड इकोनमी कि फाइनली इसकी एक वैक्सीन प्रिपेयर कर दी गई है So this is right now the end of the video. Thanks for listening and as always, God bless you all.